अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू का भुरता। आलू का भुरता बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आधा किलो आलू उबले हुए, 7 से 8 प्याज दरमियाने साइज़ के कटे हुए, 1 कप ऑयल सरसों का, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 7 से 8 हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हसबे जायका नमक, 1 कप हमारा इमली का पेस्ट है और 1/2 कप हमारा धनिया है और 1/2 कप भी हमारा पुदीना है। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल को गरम किया। सरसों का ऑयल थोड़ा गरम होने में टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले ऑयल को गरम रख रहे हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप है, हम आलू को मैश करेंगे जब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ये हम आलू मैश कर रहे हैं। अब इसमें हमें सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर दूँगी सिवाय धनिए के और पुदीने के। ये हरी मिर्ची है, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका लिया है मैंने। इसको चाहें तो आप पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हम आलू के पराठे बनाते हैं हम इस मसाले को उसके अंदर भर के भी वो आलू के पराठे हम बना सकते हैं। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। प्याज को मुझे लाइट ब्राउन फ्राई करना है। जैसे ही हमारे प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो जाएंगे हम इसमें जो हमने अपना भुरता तैयार किया हुआ है इसको ऐड कर देंगे। लाइट ब्राउन प्याज का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है आलू के भुरते में। अब हम इसमें आलू का जो हमने भुरता बनाया है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। और जब हमारी हल्दी है ना कच्चा टाइम सारा ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। इसको आप भुट्टे को इसको आप प्लास्टिक भुट्टे को आप परौंठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वैसे ही भी हमारे यहाँ से रोटी से और चटनी के साथ भी खाया जाता है। बहुत टेस्टी होता है और भुट्टे तैयार होने वाली रेसिपी है। हाँ सर, वो मैं किसी का बोल रही थी आपको, इसके बच्चे भी शौक। तो इस महीने के पैसे इस महीने से रवि शर्मा ने बात करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ सही पुदीना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।